माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्यों मन को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के ऊपर विजय प्राप्त करना मनुष्य जाति की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मन के अंदर हमारी इंद्रियां सम्मिलित हैं। हमारी 5 इंद्रियां एक घोड़े के समान हैं। ये घोड़े जिस तरफ जिस दिशा में चलते रहते हैं, हम उसी दिशा में चलते रहते हैं। एक अचेत व्यक्ति हमेशा अपनी इंद्रियों के पीछे ही भागता रहेगा। उसको लगेगा कि उसके जीवन का निर्वाह कैसे होता है, इंद्रियों के पीछे चलकर, इंद्रियों की प्यास को बुझाकर। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे ये नहीं चाहिए, इसी के पीछे। पर एक सचेत व्यक्ति जानता है कि मन के ऊपर भी कुछ है, वो उसको पाने के लिए लगा रहता है। जैसे हमारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। सबसे पहला शरीर, जिसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, जो अन्न से चलता है, जिसको अगर आपको स्वस्थ रखना है तो आप अन्न ग्रहण करते हैं और फिर आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। दूसरा शरीर, जिसे हम कहते हैं प्राणमय कोश, जो अन्नमय कोश से सूक्ष्म होता है और जो प्राण शक्ति पर चलता है। जो प्राण शक्ति हम सोकर लेते हैं, अपने खाने से जो प्राण शक्ति निकलती है, वो हम सूरज के माध्यम से जो प्राण लेते हैं, उससे हमारा वो शरीर बना हुआ है और उससे वो चलता है। तीसरा शरीर, जिसे हम कहते हैं मनोमय कोश, जो मन से बना है। अब मनोमय कोश एक ऐसा कोश है जिसके ऊपर काम करना हमारे उत्थान या पतन को निर्धारित करता है, क्योंकि मन के अंदर हमारे बहुत सारे विकार हैं, वासनाएं हैं, मोह है और हमारी धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। चौथा शरीर, जिसे हम कहते हैं विज्ञानमय कोश, जो हमारे होने का जो कारण है, जो उसके अंदर पड़ा है और जिसको समझना, यानी कि उस परम विज्ञान को समझना है। और पांचवा हमारा आनंदमय कोश, जो आत्मा के आनंद से बना है, जिसके अंदर और कुछ नहीं है, केवल आनंद का स्वाद भरा हुआ है। तो इन 5 शरीरों में से जो एक मुख्य शरीर, जिस पर हमें काम करना है और जो हमारे आत्मा की प्रगति को निर्धारित करता है, वो है मनोमय कोश। हम कहते हैं अपना मन साफ करो, तन अपने आप साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन के अंदर जो चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है। तन की मैल अगर आएगी, आप साबुन लगाएंगे, नहाएंगे, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। पर मन का मैल निकालना, ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, हमारे घर दशहरे की पूजा होती थी और मेरी माँ गाय के उपलों से रावण के 10 सिर बनाती थी और एक ही प्रार्थना हर साल करती थी। क्या शब्द बोलती थी? हे भगवान, हमारे मन का रावण मारो। ये नहीं कहती थी कि हमारे शरीर का रावण मारो, हमारे मन का। क्योंकि मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भरी हुई हैं, दिखती नहीं है, शरीर नहीं है उनका स्थूल शरीर की तरह, पर उनका जो प्रभाव है हमारे जीवन पर, वो बहुत गहरा है। जब हम बच्चे होते हैं, एक शुद्ध स्वरूप से आते हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ होता है, कोई आडंबर नहीं होता, हमें किसी को खुश नहीं करना, किसी से खुशी नहीं लेनी, केवल अपने एक प्राकृतिक स्वरूप में जीना जानते हैं। पर जैसे जैसे हमारी प्रगति होने लगती है, हमारा विकास होने लगता है, हम इस जगत में आने लगते हैं, मिथ्या जगत में। हमें सिखाया जाता है ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे बात करो। तो बहुत सारी चीज़ें हम बनाना शुरू करते हैं, अपने अंदर धारणाएं, भ्रांतियां और गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी प्रेम की परिभाषा भी बदलने लगती है। छोटे होते परिभाषा क्या होती है, प्रेम क्या है, अपने आप को, जो आप हो उसको व्यक्त कर देना, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना। एक बच्चा अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता है और दूसरों को भी पूरी तरह से स्वीकार कर लेना बिना किसी शर्तों के, ये है प्रेम। पर जैसे जैसे हमारी प्रगति होने लगी, हमारी प्रेम की परिभाषा बदल गई। हमारे अंदर क्या धारणा बनने लगती है कि जो व्यक्ति हमसे प्यार करता है उसे हमारी उम्मीदों को भी पूरा करना है, तभी वो हमसे प्यार करता है। अगर कोई हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं करता, यानी कि वो हमसे प्रेम नहीं करता। तो इन सब चीज़ों से होते हुए हमारा जो मनोमय कोश होता है, जो शुरुआत में खाली और शुद्ध होता है, उसके अंदर चीज़ें डलने लगती हैं। उसकी ऊर्जा जो शुद्ध होती है, उसके अंदर अशुद्धता का संस्कार बनने लगता है। अब क्या है, एक समय तक हम पहुंचते हैं, तब तक 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक उसके अंदर बहुत सारे संस्कार खुद ही बन चुके हैं। इसके अलावा अब क्या होगा, क्योंकि हम एक पूरे शरीर में आ चुके हैं, हमारे पांचों शरीर पूरे परिपक्व हो चुके हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार भी, जो पिछले जन्मों का मनोमय कोश है, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर सक्रिय हो जाएगा। अब हमारे पास संस्कार हैं पिछले जन्मों के, इस जन्म में तो हम बनाते ही जा रहे हैं और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने अपने दिल पर ले लिया, मैंने मुंह पर तो उसे खुशी बताई, पर अंदर मेरे गुस्सा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा। तो मन ही मन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पकड़ लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी हमारी जो वासना की प्रवृत्ति है, वो हमारे मन के अंदर रहने लगती है, घर करने लगती है। जब हम एक बार करते हैं तो बार बार करने से भी उस चीज़ पर हम घबराते नहीं हैं और वो हमारा एक, जैसे कह लीजिए एक दीवार के अंदर एक ईंट लगा देना, उस प्रकार से हमारी एक ठोस मजबूत मनोमय कोश की हमारी दीवार तैयार हो जाती है और उसी दीवार के माध्यम से हम अपना जीवन जीते जाते हैं। हमें लगता है कि जो मेरे मन में है मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, या मन को दिखाना नहीं है, मुझे हर चीज़ छुपानी है। और वो जो वाक्य है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, कि दोगलापन रखना, क्योंकि मन अगर शुद्ध नहीं होगा तो हम दोगलेपन में रहेंगे। हम होंगे कुछ, हम करेंगे कुछ, हम कहेंगे कुछ। हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर होगा। तो ऐसा करते करते समय आता है जब हमें शरीर को छोड़ना है। वृद्ध हो गए हैं, दिल में अभी भी बातें लिए हुए हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ये किया, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, मैंने ये नहीं किया, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ खिंचती चली जाती हैं हमारे आखिरी क्षण तक। अब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान के जो आखिरी समय के विचार होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण विचार होते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव उसके आने वाली यात्रा पर, उसके नए जन्म पर, पुनर्जन्म पर पड़ता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जिस प्रकार की आप वासनाएं पकड़ के रखेंगे अपने शरीर में, जिस तरह की इच्छाएं रखेंगे शरीर में, हम सब जानते हैं कि उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम धरती पर आते हैं। तो कैसे आते हैं, किस प्रकार से हमारा जन्म होता है, कैसे हम इस शरीर को छोड़कर क्षीण होते हैं और फिर से जन्म ले लेते हैं। तो हमारा जो मन है उसके अंदर जो विकार भर गए हैं, अब वो हैवी हो गया है, क्योंकि जब पैदा हुए थे तब बहुत लाइट था। अब क्या है, वही जो खाली बैग था हमारा, अब वो खाली बैग भर गया है पत्थर से, कंकरों से, अब खूब भारी हो गया है। उसकी ऊर्जा भी बदल गई है, मिलावट हो गई है उसमें। अब ये मिलावट जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ये प्राण, क्योंकि ये ऊर्जा के माध्यम से उसके अंदर है, तो प्राण शक्ति हमारी मन शक्ति में मिल जाती है। हमारा प्राणमय कोश मनोमय कोश में लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जब मनोमय कोश लीन हो गया तो आप खुद ब खुद स्थूल जगत से निकलकर सूक्ष्म जगत में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा? आपका संस्कार होगा। आपको किसी सभ्यताओं में आपको अग्नि दी जाएगी, किसी सभ्यताओं में आपको जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा। अब क्या है, जब आपका शरीर नष्ट होता है तो आपके शरीर में से तेजस पैदा होता है, जिसको हम कह लीजिए गर्मी पैदा होती है। जैसे शरीर को अग्नि लगेगी तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगी। अब आप उस तेजस के माध्यम से, अब मन तेजस बन जाता है, क्योंकि अब वो ग्रीष्म बन गया। अगर नीचे भी धरती पर दफनाया जाता है तो क्या होता है? वो भी गर्मी से एक भाप के रूप में बन जाता है। अब शरीर जल गया, वो भी भाप बन गया। अब भाप के रूप से आप ऊपर की ओर चलते हैं। जिसकी भाप ज़्यादा लाइट होगी, ज़्यादा हल्की होगी, अब आप सोचिए वो ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा। एक गुब्बारा जिसके अंदर लाइट है, हवा लाइट है, आप देखते हैं वो ज़्यादा आसमान को छुएगा। जिसके अंदर हवा हैवी है वो एक कमरे की सतह तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से जो भाप है, अगर उसके अंदर ऊर्जा हैवी थी, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं था, अशुद्धता के विचार भरे हुए थे, संस्कार भरे हुए थे, गलत गलत भ्रांतियां भरी हुई थी, तो क्या है, वो सब चीज़ें उसे हैवी करेंगी और ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं जाने देंगी। तो जब भाप उड़ती है तो क्या होता है? अब वो बादल बनेगी। हमने सब ने बचपन में भाप की प्रयोग किए हैं, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अब आप ऊपर की ओर जाएंगे और बादल बन जाएंगे। बादल किस मंडल में रहते हैं, इस एटमॉस्फेरिक लेयर में रहते हैं या थोड़ा ऊपर जाते हैं या उससे भी ऊपर जाते हैं, वो आपके शुद्ध अशुद्ध मन पर निर्धारित है। अब जब आप ऊपर की तरफ गए, एक समय ऐसा आएगा बादल पानी की तरह वर्षा के रूप में नीचे की ओर आएंगे। अब वही चीज़ जो भाप बनकर बादल बनी, बादल के रूप से वर्षा बनकर फिर से धरती पर आ गई। अब वो धरती पर आने पर सबसे पहले क्या होगा? वो वनस्पति पर डलेगी, एक पेड़ पर, एक पौधे पर, एक फल पर। वो वृक्ष उसकी जड़ों में जाएगी और वो संस्कार उसकी जड़ों में गया, उसके बाद जो फल लगेगा, जो फूल लगेगा, उसके ऊपर वो संस्कार की छाप होगी, उसकी मोहर होगी। फिर एक स्त्री और पुरुष जिन्होंने निर्धारित किया है उस फल को खाना, उस फल को खाएंगे। उस फल को खाने से आदमी के अंदर शुक्राणु बनेंगे, औरत के अंदर अंडा बनेगा, और जब उन दोनों का मिश्रण होगा तो वही संस्कार से एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा एक मेमोरी लेकर अपने साथ आया है। तो पिछले जन्मों का मनोमय कोश जो है, देखिए किस प्रक्रिया से एक नए जन्म में उसके साथ लगा ही रहेगा। शरीर भले ही एक जन्म में खत्म हो गया, पर ये क्रिया हमारे साथ चलती ही रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं अपने मनोमय कोश को शुद्ध करने की। हमें वेट नहीं करना है कि हमारा आखिरी समय आएगा तब ही हम शुद्ध करेंगे अपने आप को। मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती कि मैं कल आऊंगी, उससे पहले अपनी सफाई कर लो। हर दिन हमें, हर क्षण में अपने मन को शुद्ध करना है। जिसका मन जितना साफ, उतना ही उसका प्रगति, उतना ही उसका नया जीवन, उतना ही संतुष्ट, सफल और समृद्ध, और एक सृष्टि को अपना जीवन, जिसे कहते हैं कि हम एक सेवा के रूप में समर्पित कर सकते हैं, वैसा जीवन होगा। नहीं तो क्योंकि हमारा मन हैवी है, तब हम इस जीवन मरण के जाल को एक अचेत तरीके से जीते रहेंगे, सचेत तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए? कैसे हम अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहली चीज ध्यान। ध्यान करना सीखे। ध्यान से क्या होता है? जो हमारे 5 शरीर होते हैं, ध्यान हमें जोड़ता है आनंदमय कोश से। तब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर आनंद नाम का कोई भाव है, कोई आनंद हमारे अंदर एक सुचारू रूप से चल रहा है। तब तक उसका हमें स्वाद ही नहीं पता, क्योंकि सारा वक्त आंखें खुली रहती हैं, हम ये पाने में व्यस्त हैं, हम ये करने में व्यस्त हैं। आंखें बंद करके खुद को अंदर से झांकने का कभी मौका नहीं मिला। ध्यान क्या करता है? हम अपने साथ बैठते हैं, अपनी सांसों के साथ चलते हैं। और क्या करते हैं? सांसें क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि मन जो है, अगर कुछ सोचेंगे तो मन तब भी सक्रिय रहेगा। सांसें क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि सांस को लेने के लिए हमें कोई परिश्रम नहीं करना। आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मुझे सांस लेने में कोई परिश्रम करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। ये तो प्राकृतिक स्वभाव है। इसीलिए जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो हम मन से अलग होते हैं, और जब मन से अलग होकर अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं तभी तो समझते हैं कि मन के आगे भी कुछ है। मन के आगे विज्ञानमय कोश है, जहाँ से हमें हमारे अंदर ज्ञान जागता है, हमारे अंदर गाइडेंस जागती है। एक संदेश आता है कि मुझे अपने आप को ऐसे करना चाहिए, आज से मैं ये करूँगा। और जब वो ज्ञान हम पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? हमारे मन की शुद्धि होने लगती है। ये ज्ञान हम सबके भीतर बोलता है, किसी किसी मात्रा में। पर क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं तो इस ज्ञान की तरफ हम ध्यान नहीं देते या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो इसी ज्ञान को, इस आवाज़ को हम बढ़ने देते हैं, आत्मा की आवाज़ को बढ़ने देते हैं। और ध्यान करने से क्या होगा? हमारे जीवन में एक जागरूकता का भाव आता है। एक अचेत व्यक्ति क्या करेगा? अपने शब्दों पर कभी भी नियंत्रण नहीं रख पाएगा, अपने विचारों को जज करता रहेगा, विचारों के साथ उलझा रहेगा, और जो उसके एक्शंस हैं, जो क्रियाएं हैं, उस पर भी उसका ध्यान नहीं रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में हम जागरूकता लेकर आते हैं। जो हम करते हैं उसके प्रति हम सचेत हो जाते हैं और उसे ध्यान से करते हैं। पूरी इंद्रियों को, अपने मन को उस प्रस्तुत क्षण में लाकर जब हम काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी फिर अच्छी होती है। 2 चीज़ें हो गई, एक तो ध्यान, दूसरा जागरूकता, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति और अपनी क्रिया के प्रति। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? हम कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं। कृतज्ञता केवल जीवन के अच्छे पहलू के लिए नहीं, एक ना अच्छे पहलू के प्रति भी, पूरे जीवन के प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना, अपनी हर सांस के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, ये है हमारे मन का शुद्धिकरण। क्योंकि जब हम एक कृतज्ञता की ऊर्जा से चलते हैं तो हमारे मन का शुद्ध होना स्वाभाविक है। फिर हम जीवन में ये नहीं सोचेंगे कि ये अच्छा है या ये बुरा है। हर चीज़ के प्रति हमें धन्यवाद का भाव रहेगा, और वो हमारे मनोमय कोश का सबसे बड़ा शुद्धिकरण हो सकता है। कबीर जी अपने एक दोहे में कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा खुद का मन। क्योंकि मन के अंदर अहंकार हमारे भरा हुआ है, और मन ही हमें खुद के प्रेम से, उस प्रेम के सागर से दूर रखता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि यही मन साधन बन जाए उस प्रेम को अनुभव करने के लिए। कैसे हो सकता है वो? जब हम खुद को जानने के लिए अग्रसर रहेंगे, उसकी तरफ प्रगति करेंगे, अपनी स्वेच्छा का सही इस्तेमाल करेंगे, मन को शुद्ध कर और खुद को जानकर। तो मन आपका शत्रु है या मन आपका मित्र है, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं।